हमारी तरजीह जमात इस्लामी है, हम इनसे बात करना चाहते हैं। जिन नशस्तों पर एतराज़ात हैं इन पर कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हाफिज नईमुर रहमान तक दुरुस्त मालूमात नहीं पहुँचाई जा रही। टीवी पर मांगने से मेयरशिप नहीं मिलेगी, इसके लिए बैठ कर बात करना होगी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील। वज़ीर आला महमूद खान ने असेंबली तोड़ने की समरी गुज़श्ता रात गवर्नर को भिजवाई। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने आज समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला महमूद खान को निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर तक काम करने की हिदायत। दरामदात के दबाव के बायस मुल्क में डॉलर्स की कमी हुई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का FPCCI की तकरीब से खिताब, कहा हमने 2022 में कुछ सर्कुलर्स किए, मकसद करंट अकाउंट खसारे को कंट्रोल करना था। कमर्शियल बैंक से कहा है कि LCs देख कर खोलें। खाने पीने की अशिया, अद्वियात, ऑयल गैस को तरजीही बुनियाद पर रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP असेंबली के आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP को आम इंतखाबात की तारीख के लिए खत लिखने का फैसला। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइन के तहत 3 माह के अंदर आम इंतखाबात होने हैं। तारीख में पहली बार सूबाई आम इंतखाबात के लिए गवर्नर से खतों किताबत की जाएगी। गवर्नर पंजाब और KP आम इंतखाबात की फाइनल तारीख का फैसला करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर लटक गया। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में इतफाक ना होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी में जा पहुंचा। पार्लिमानी कमेटी निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए आज से काम शुरू करेगी। 3 दिन में इतफाक राय ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। तहरीक इंसाफ के मजीद 34 अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने शेख रशीद समेत 35 अराकीन को डीनोटिफाई भी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, असद उमर, फवाद चौधरी, हमाद अजहर और परवेज कटक के इस्तीफे मंजूर। शफकत महमूद, शहरियार आफरीदी, कासिम सूरी, मुराद सईद, उमर अयूब और अली जैदी भी डीनोटिफाई होने वालों में शामिल। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली से राबते का फैसला। अपोजिशन लीडर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी समेत दीगर ओहदे PTI को देने का मुतालबा किया जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शेख रशीद की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया।